हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंटरटेन्स वीडियो द न्यू टॉपिक विच वी आर गोइंग टू बिगिन इज सैनिटेशन एंड डिजीजेज सो लेट्स रीड आउट पोअ सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज सो यहाँ पर ये लिखा है कि पोअर सैनिटेशन जो होता है और कंटामिनेट जो खराब हो गया पानी कंटामिनेटेड है उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ करना कैन कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज तो इसकी वजह से वी कैन गेट सिक हमें बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं अस लुक एट आर ओन कंट्री सो लेट्स हैवे लुक टू आर ओन कंट्री अवास नंबर ऑफ आर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज़ सो हमारे कंट्री में बहुत लार्ज नंबर में लोगों के पास अभी भी सीवेज फैसिलिटीज़ नहीं है वेयर डू दे रिलीव दैम सेल्व्स तो वो अपने आप को कहाँ रिलीव करते हैं अ वेरी लार्ज ट्रैक्शन ऑफ अ पीपल डेफिकेट्स इन द ओपन हमारे वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वो अपने आप को रिलीज करते हैं ओपन एरियाज में और ड्राई रिवर बैच्स या फिर किसी सूखी रिवर बैच्स पे औ, और ऑन रेलवे ट्रैक्स नियर फील्ड्स एंड मेनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर रेलवे ट्रैक्स पे या फिर किसी बगल की फील्ड में या फिर कभी कभी डायरेक्टली इन वाटर अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटर एज अल्थ हज़ार्ड अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटर जो होता है वो एक हेल्थ हेज़ार्ड है इट मे कॉज वाटर पल्यूशन एंड सॉयल पल्यूशन इसकी वजह से वॉटर और सॉयल दोनों का पॉल्यूशन होता है बोथ द सर्फेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पल्यूटेड दोनों सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों पल्यूट होते हैं ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स ट्यूबवेल्स स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर सिक्सटीन ग्राउंड वाटर जो होता है वो एक सोर्स होता है वाटर का वेल्स के लिए ट्यूबवेल्स के लिए स्प्रिंग्स के लिए जैसा कि हमने चाप्टर सिक्सटीन में पढ़ा था डज इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉन डिजीजेज डज इसी वजह से ये वाटरबॉर्न डिजीजेज का सबसे कॉमन रूट है They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis, and dysentery. So, these are all diseases included. The further we are going to read is the next topic, which is alternative arrangement for sewage disposal. We will start this topic in the next video. Till then, stay tuned to our YouTube channel and thank you so much.